नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल, ब्राह्मणों को लुभाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की किलेबंदी, चंद्रशेखर रावण भी जुड़ेंगे। योगी का खास, अनूप पांडे बने चुनाव आयुक्त, बीजेपी का पूरा कब्जा। मुकुल रॉय फिर बैठक में नहीं आए, बंगाल बीजेपी के टूटने की अटकलें। टीकाकरण में महिलाओं की उपेक्षा, पुरुषों की तुलना में कम लगे टीके। खास खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जितिन प्रसाद को लेकर लंबे वक्त से ऐसी अटकलें थीं कि वे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और बुधवार को ये बात सच साबित हो गई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद दूसरे बड़े युवा नेता हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में पार्टी को अलविदा कहा है। उत्तर प्रदेश में पहले ही नेताओं की कमी से जूझ रही कांग्रेस को जितिन प्रसाद के जाने से झटका लग सकता है, क्योंकि राज्य में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर और धौरहरा से सांसद रहे हैं और एक वक्त में राहुल गांधी की युवा टीम में शुमार थे। हालांकि 2014, 2017 और 2019 में लगातार वो कांग्रेस के टिकट से अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इसके अलावा जब उनको कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाकर भेजा तो वहां भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब रही, उसे एक सीट ही मिली। कहा जा रहा है कि योगी सरकार से नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए जितिन प्रसाद को लाया गया है। तो जितिन प्रसाद पिछले काफी समय से बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। कांग्रेस हाईकमान ने इन खबरों के बाद उनको रोकने की कोशिश की, उनको कई मौके दिए, उनको अवसर दिए, पश्चिम बंगाल की बागडोर भी सौंपी चुनाव अभियान की। उत्तर प्रदेश में भी उन्हें ब्राह्मणों से जोड़ने के का एक एजेंडा दिया, उन्होंने कई ब्राह्मणों की सभाएं भी की। तो ऐसा लगा कि शायद वो अब कांग्रेस पार्टी में रम रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो मन बना चुके थे। और ये चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है, वहाँ कोई भविष्य दिख नहीं रहा है पार्टी के नेताओं को, इसलिए जाहिर है कि जितिन प्रसाद जो कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उन्होंने कांग्रेस का ऐसे गाढ़े वक्त में साथ छोड़ देना बेहतर समझा। उन्होंने न राहुल गांधी की परवाह की जिन्होंने उन्हें खास तवज्जो की थी। पिछले 2 बार वो कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे केंद्र में, वो सब जो कांग्रेस ने उन्हें दिया था वो भूल गए और उन्होंने अपनी भावी पारी बीजेपी के साथ खेलना तय किया। तो एक जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं में सांप्रदायिक राजनीति के प्रति रुझान रहा है, और बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी रहा है, वो जितिन प्रसाद में भी दिखता है। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद भी आपको याद होगा कि कांग्रेस में बगावत करने वालों में से रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े था। सवाल उठता है कि उनके जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ और बीजेपी को इस मोहरे से कितना फायदा होगा। ये जो जितेंद्र प्रसाद नाम का एक ब्राह्मण मोहरा है, क्या उसको इस चुनाव में बीजेपी ब्राह्मणों से और जोड़ पाएगा। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि वो ठाकुरवाद चला रहे हैं और उसमें ब्राह्मणों के लिए उतनी गुंजाइश नहीं थी, और ब्राह्मण सार्वजनिक तौर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। लेकिन जितिन प्रसाद का उतना कद नहीं है, उनका जनाधार नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी की राजनीति को किसी तरह से प्रभावित कर सके। एक चेहरा बेशक होंगे, बीजेपी इस पर खुश हो सकती है कि उसने कांग्रेस का एक और मोहरा तोड़ लिया है, लेकिन जितेंद्र प्रसाद कुछ ऐड करेंगे इसकी संभावना इसलिए भी नहीं है कि जो ब्राह्मण वोट है वैसे भी बीजेपी के साथ है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाला था, और खासतौर से जितिन प्रसाद के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। तो ये बीजेपी को कोई विशेष फायदा उस तरह से नहीं होगा, लेकिन हाँ,
क्योंकि चुनाव में माहौल बनता है सब चीज़ों से, जब किसी दूसरी पार्टी के नेता टूट टूट कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पार्टी मजबूत हो रही है, इसका इस चुनाव में ज़्यादा जोर रहेगा। तो ये एक माहौल बनाने में बंगाल में भी कितने टीएमसी के नेताओं को तोड़ा गया था, विधायकों को तोड़ा गया था, हालांकि उसका विशेष फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तमाम दल बदलू नेता चुनाव हार गए, उनमें से बहुत कम जीत पाए। तो उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जड़ें फिर से खोज रही थी, प्रियंका गांधी अपनी राजनीति फिर से चमकाना चाहती थी, अपने को सक्रिय करके वहाँ कांग्रेस का भविष्य संवारना चाहती थी, तो उस लिहाज से इस तरह के नेताओं का टूटना उनकी मुहिम को कमज़ोर कर सकता है। उन्हें कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी संभावनाएं इस चुनाव में नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि उसका जनाधार भी नहीं है, उसका उस तरह से अभियान वहाँ पर सड़कों पर भी प्रेजेंस नहीं है जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का है, और चूंकि इन पार्टियों के साथ तालमेल होने की भी गुंजाइश नहीं दिख रही है, इसलिए जो और भी अगर कांग्रेस के नेता टूट कर बीजेपी में जाते हैं तो कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन जितिन प्रसाद को अगर एक मोहरे के तौर पर देखें तो देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली मोहरा बीजेपी के हाथ में नहीं गया है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर चल रही तमाम सियासी चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बन रहे गठबंधन को लेकर सामने आ रही है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उनकी पार्टी एसपी और आरएलडी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर ये गठबंधन बना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुश्किल बीजेपी को होगी, क्योंकि यहाँ की सियासी ज़मीन उसके लिए उपजाऊ रही और बीते कुछ चुनाव में उसने यहां से काफ़ी सीटें बटोरी थी। रावण ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ऐसे में यहां बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की ज़रूरत है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि एसपी और आरएलडी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन ज़रूर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन दलों के साथ बातचीत जारी है और जल्द चीज़ें साफ हो जाएंगी। ऐसे में यही लगता है कि इसकी घोषणा होने में अब औपचारिकता ही बची है। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी 17% है जबकि मुसलमानों की 26%। इसके अलावा दलितों की भी अच्छी सियासी हैसियत है। इन तीनों का वोट इस संभावित गठबंधन को मिला तो बाकी दलों की सियासी नाव का डूबना तय है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे दलों से बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में, गोदी मीडिया में, कि बीजेपी तो पूरी ताकत से जुड़ी है और बाकी दल जो हैं वो सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं और अपनी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। ये बात और है कि उनको मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती या जगह मिलती है तो उन्हें कम करके दिखाया जाता है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता इस जो गठबंधन की राजनीति है उसमें अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए संभावनाएं बढ़ गई कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का समर्थन बुरी तरह से घटा है और राष्ट्रीय लोकदल का बढ़ा है। तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी साथ में आते हैं तो एक अच्छा खासा जनाधार जुड़ता है दोनों का और वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा दिखने लगता है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी जुड़ रहे हैं क्योंकि उनका आकर्षण दलितों में बढ़ा है और इधर बीएसपी और बहन मायावती का आकर्षण घटा है, तो उनसे अगर दलित वो टूटते हैं और इस गठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो इस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत बुरा झटका लगेगा और मायावती को भी नुकसान होना तय है। लेकिन देखते हैं ये गठबंधन किस तरह से आकार लेता है, कितना ठोस रूप बनाता है, और ये भी देखना है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इसी तरह के गठबंधन की कोशिशें कर रहे हैं छोटे छोटे दलों को जोड़कर, वो कितना रंग लाती है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ
पैनल में तीसरे सदस्य के रूप में जुड़ेंगे। ये तीन सदस्यीय आयोग ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को देखेगा। 2019 में रिटायर होने से पहले अनूप चंद्र पांडे योगी सरकार में मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा राज्य के बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनको चुनाव आयुक्त बनाने के साथ ही कुछ लोगों ने उनके उन फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया जिनमें वो मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ट्विटर पर अपने हेडर फोटो में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोटो तक लगा रखा है। इनके इसी फोटो को शेयर करने के बाद आने वाले चुनाव के साफ सुथरे होने को लेकर शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि अनूप पांडे योगी सरकार के खासम खास रहे हैं। न केवल खासम खास रहे हैं बल्कि बीजेपी से भी जुड़ गए थे। काम करते समय ही ये उनकी निकटता भारतीय जनता पार्टी से और मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से हो गई थी, कैबिनेट सचिव के रूप में भी और उसके बाद भी। और वो लगातार संकेत मिल रहे थे कि वो बीजेपी से जुड़ेंगे और बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी से कुछ ना कुछ उन्हें पुरस्कार मिलेगा रिटायर होने के बाद, और ये पुरस्कार मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी के लिए बहुत खास है और चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना, चुनाव आयोग से मनचाहे उसका इस्तेमाल करना चुनाव में, ये उस बीजेपी का एजेंडा और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का एजेंडा रहा है। जो दो, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और एक और जो चुनाव आयुक्त हैं, दोनों का संबंध भी उत्तर प्रदेश से रहा है। तो तीनों जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए क्या क्या रणनीति बना सकते हैं, किस तरह से चुनाव का कार्यक्रम तय कर सकते हैं, किस तरह से बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं, इसकी शंकाएं लोग जाहिर किए कर रहे हैं। और उनकी शंकाएं निराधार भी नहीं हैं क्योंकि पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो स्पष्ट रूप से बीजेपी की एक कहना चाहिए कि शाखा के रूप में काम करता रहा है। बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, कई राज्यों के चुनाव में ये बहुत खुलकर सामने आया है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता नहीं बरत रहा है और बीजेपी की सुविधाओं के हिसाब से निर्णय लेता है, बीजेपी की सुविधाओं के हिसाब से दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। तो अब पूरा नियंत्रण हो गया है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में किस किस तरह के खेल चुनाव आयोग के जरिए करवाए जा सकते हैं और उन चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ बीजेपी है वो बीजेपी की सरकार, राज्य की सरकारें हैं वो करेंगी। तो एक बहुत ही बुरा संकेत है, ये दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग को जब निष्पक्ष होना चाहिए बार बार सवाल उठ रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बीजेपी की गोद में बैठता चला जा रहा है। अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बैठक में बड़ी तादाद में विधायकों के शामिल नहीं होने से कई सवाल उठने लगे हैं। ये पूछे जाने लगा है कि क्या ये बीजेपी विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो कितने विधायक पार्टी तोड़कर टीएमसी का दामन थाम लेंगे। बुधवार को कोलकाता में हुई बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के शामिल ना होने से तो अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि राज्य बीजेपी में मचा तूफान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुकुल राय कोलकाता शहर में मौजूद रहने के बावजूद बैठक में नहीं गए, इसके उलट वे अपने घर पर समानांतर अनौपचारिक बैठक में रहे जिसमें कई स्थानीय नेताओं ने शिरकत की। मुकुल राय के अलावा एक और ताकतवर विधायक हैं राजीव बनर्जी, वे भी बीजेपी से नाराज हैं। ममता बनर्जी के नज़दीक और पिछली सरकार में मंत्री रह चुके राजीव बनर्जी ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन वे भी परेशान हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी नहीं और बीजेपी की राजनीति के अनुकूल वे ढल नहीं पाए। राजीव बनर्जी ने चुनाव का नतीजा निकलने के बाद से ही टीएमसी को संकेत देना शुरू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग का विरोध करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद से अब तक वे बीजेपी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।
बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो बेखौफ होकर ममता बनर्जी की तारीफ करने वाले ट्वीट कर रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के 35 विधायकों ने पार्टी छोड़कर टीएमसी लौटने का पक्का इरादा कर लिया है और वे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें सही मौके का इंतजार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 75 विधायक हैं, इसलिए दल बदल विरोधी कानून की चपेट में न आने के लिए उन्हें 15 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो गिनती सामने आ रही है। विधायकों को एक गुट अलग से बनाकर पार्टी छोड़नी पड़ेगी और मुकुल राय शायद इसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तमाम विधायकों को होगा, संख्या बढ़ाने को लेकर है। तो इधर टीएमसी अपना खेल खेल रही है, वो बीजेपी को तोड़ने की बड़ी योजना बना चुकी है और उसका काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद व्यवहार किया है, उससे इन तमाम जो बीजेपी में गए हैं टीएमसी छोड़कर, वो सारे विधायक परेशान हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई विधायकों के परेशान होने की खबरें आ रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि 50 विधायक कैसे इकट्ठे करें। वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूसरे रास्ते भी दिखा दिए हैं कि एकमुश्त विधायकों को तोड़ो, उनसे इस्तीफा दिलवा दो और फिर उपचुनाव में उनको जीतवा कर उनको मंत्री वगैरह बनवा दो। तो ये टीएमसी भी इस रणनीति पे जा सकती है और बीजेपी को तोड़ सकती है, लेकिन बीजेपी भी परेशान है, बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने गए तो पूरे बीजेपी में हंगामा मच गया और फिर धड़ाधड़ बीजेपी के नेता भी मिलने चले गए और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन दाग दिया मुकुल रॉय को। तो घबराहट बीजेपी के अंदर है कि ऐसे समय में अगर विधायक टूटते हैं, टीएमसी में वापस लौटते हैं, तो दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक खराब मैसेज जाएगा कि बीजेपी तोड़ तोड़ कर लाती है चुनाव लड़ने के लिए और फिर बीजेपी से टूट टूट कर लोग वापस भी चले जाते हैं। तो ये बीजेपी समझ रही है, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी है कि ये टूट फूट फिलहाल न होने पाए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत में जितने पुरुषों को कोरोना टीका दिया गया है उससे 17% कम महिलाओं को ये टीका लगा है। उसका कहना है कि भारत में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आंशिक या पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आंशिक टीकाकरण का मतलब टीके की एक खुराक और पूर्ण टीकाकरण का मतलब टीके की दो खुराकें मिलना है। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी सरकारी वेबसाइट कोविन से लिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा 52% महिलाओं को केरल, 51% महिलाओं को छत्तीसगढ़ और 50% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन दिया गया है। सबसे बुरा हाल केंद्र शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली का है, जहाँ सिर्फ 32% महिलाओं को कोरोना टीका दिया गया है। महिलाओं का टीकाकरण कम होने को लेकर गुजरात के एक बड़े सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रशांत पांड्या ने राइटर से कहा, हमने पाया है कि पुरुष जब कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलते हैं वे कोरोना टीका भी लगवा लेते हैं, पर महिलाएं घर के कामकाज में इस तरह फंसी रहती हैं कि वे बाहर नहीं निकल पाती हैं और कोरोना टीकाकरण में पीछे छूट गई हैं। गुजरात और राजस्थान में कुछ महिलाओं ने गुजारिश की कि स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर कोरोना टीका दें, क्योंकि घरेलू कामकाज और बच्चों को छोड़कर टीकाकरण के लिए जाना मुश्किल है। तो दरअसल मामला उनके पास समय की कमी है या दूसरी दिक्कतें हैं ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे समाज में एक लैंगिक भेदभाव है और उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे बात की प्राथमिकता दी जाती है, उनकी तवज्जो नहीं दी जाती है। घर में खान पान हो, उनकी बीमारी का इलाज हो, इन सब मामलों में आपने पाया होगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। और अब टीकाकरण जो सीधे लोगों की जान से जुड़ा है कि अगर टीका नहीं लगेगा और कोरोना हुआ तो जान भी जा सकती है, इस मामले में भी ये लापरवाही दिख रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि केरल जो सबसे ज़्यादा शिक्षित और अग्रणी राज्य माना जाता है, वहाँ बाकायदा उतने ही प्रतिशत महिलाओं को टीके लगे हैं जितना, उससे बल्कि उससे ज़्यादा लगे हैं। तो महिलाओं को लेकर जहाँ ज़्यादा जागरूकता है वहाँ ज़्यादा टीके लग रहे हैं। गुजरात सोच से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से आगे है लेकिन सोच से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ महिलाओं को घर में बंद रखना,
पर्दे प्रथा इन तमाम तरहों का बहुत प्रभाव है, इसलिए महिलाएं घरों में कैद हैं, वो बाहर जाकर टीके नहीं लगवा रही हैं, न लगवाने जा पा रही, न उनके पुरुष इसका ख्याल रख रहे हैं कि उन्हें टीके समय पर लगने चाहिए। तो ये आप एक प्रदेश और समाज की बनावट के आधार पर भी देख सकते हैं कि किस राज्य में किन समाजों में ये लैंगिक भेदभाव कितना है, और टीका उसका एक आधार बन सकता है। इस तरह के सर्वे और आने चाहिए, जातियों के आधार पर भी देखना चाहिए कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों में कितने को टीका लग रहा है, और जो अपर कास्ट है उसमें कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को टीका लग रहा है। ये आंकड़े आएंगे तब हमें ये भेदभाव भी सामने हमारे आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।